गाइस वेलकम बैक टू तेजा जोशी व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ और मस्त हूँ और आइए शुरू करते हैं आज एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो पहला चैनल था वो डिलीट कैसे हो गया और क्यों हो गया, मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जिससे मेरा पहला चैनल जिसमें करीब 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे तो वो डिलीट क्यों हो गया था। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बता दूं कि आज है 10 अक्टूबर 2023। वैसे तो मैंने ये नया चैनल जो बनाया इसे हो गए हैं 5-6 महीने करीब हो चुके हैं और आज मैं 10 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूं कि मेरा चैनल पहले जो था वो डिलीट कैसे हो गया था और क्या गलती मैंने उसमें ऐसी कर दी थी। तो आइए आप भी ऐसी गलती ना करें तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप। तो फ्रेंड्स जो मेरा पहले चैनल था वो तेजस जोशी व्लॉग्स नाम से ही था, तो मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं मैं क्या सेटिंग कर रहा था उसमें, कौन कौन से म्यूज़िक डाल रहा था और कॉपीराइट क्लेम देखने को उसमें मुझे मिलता था ज़्यादातर, तो मुझे उसमें कॉपीराइट क्लेम देखने को बार बार मिलता था हर वीडियोज़ में, हर शॉर्ट वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम और शायद स्ट्राइक भी थी उसमें। और मैं चैनल में भी काफ़ी सेटिंग इधर उधर किया करता था इसलिए जिसने जैसा बताया मैं वैसा ही करता था। तो मैंने क्या गलती करी पता नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। तो फ्रेंड्स मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, पता नहीं मैंने उसमें ऐसी क्या गलती कर दी थी और बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से मेरा चैनल YouTube ने उड़ा दिया, तो समझ में नहीं आया। मैंने काफ़ी YouTube के वीडियोस देखे और काफ़ी कोशिश की उसे कि कैसे मैं अपना चैनल वापस ला सकूं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया और चैनल मेरा 2000 सब्सक्राइबर वाला उड़ गया। तो मुझे उसका काफ़ी दुख हुआ क्योंकि फ्रेंड्स मेरी काफ़ी मेहनत थी उसमें, मैंने इतनी सारी उसमें वीडियोस बनाई थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैंने इधर उधर जाकर वीडियो बनाई थी, घर पे वीडियो बनाई थी, कई जगह पे मैं घूमा था, तो जहाँ जहाँ मैं जाता था मैंने हर जगह की वीडियो उसमें बना के डाली थी। तो मुझे कुछ कहना ही नहीं आया और मैं काफ़ी परेशान और काफ़ी निराश रहा कुछ दिन, बहुत दिनों तक मैं काफ़ी परेशान रहा क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा और मेरा चैनल उड़ जाएगा एकदम से। तो फ्रेंड्स उसमें मेरे करीब 2000 लोग जुड़ गए थे, जितने मुझे जानने वाले थे सब लोग मुझे उसमें जुड़ गए थे और मतलब एकदम से ऐसा हो गया कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं करके, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था फ्रेंड्स क्योंकि उसमें इतनी सारी मेमोरीज़ मेरी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने उसमें बनाकर डाली हुई थी, काफ़ी मेमोरीज़ काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, मेरी शादी से रिलेटेड भी यादें उसमें जुड़ी हुई थी, जब मैं अपनी वाइफ से पहले मिलने गया था तो उन दिनों की भी उसमें यादें थी, तो वो सारी की सारी डिलीट हो गई एकदम से। तो फ्रेंड्स मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा जो चैनल था वो डिलीट हो गया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो मेरी इतनी सारी उसमें यादें इतनी सारी मेमोरीज़ थी वो डिलीट हो गई। तो फ्रेंड उसके बाद फिर मैंने देखा उसको कि कैसे वापस आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता है, तो मैंने जैसा जैसा यूट्यूब में जितने लोगों ने जैसे जैसे बताया था मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन नहीं, और मैं काफ़ी परेशान था तो घर वाले मैं किसको क्या बताता, काफ़ी लोग मुझसे कहने लगे कि भाई तेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा, भाई तेरा चैनल दिखाई नहीं दे रहा, चैनल कहाँ गया, तो मैं उन्हें क्या बताता, मैं मुझे एकदम काफ़ी शर्म सी आ रही थी और काफ़ी मैं परेशान भी था, मैं उन्हें क्या बताता कि मेरा चैनल डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। तो भाई मतलब मुझे ऐसा सदमा सा लगा ना कि मुझे ही मालूम है कि ये जो हम सब्सक्राइबर गेंस करते हैं ये कितनी मेहनत से होता है और कैसे सब्सक्राइबर आते हैं, और इतना सदमा सा मुझे लगा था ना कि मैं किसी को बता भी नहीं पाया था कि सच में कि क्या हुआ मेरे साथ ऐसा, और मैं क्यों इतना उसमें छेड़ाखानी कर रहा था, गलत सलत कुछ भी उठा के डाल दे रहा था। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि कुछ भी उठा के उसमें डाल दो, पटक दो, किसी की भी वीडियोस डाल दो, मैंने काफ़ी सारी म्यूज़िक उठा के डाल दिए थे। मैं क्या करता तो मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा था और चुपचाप लेटा हुआ था ऐसे ही, तो मेरी वाइफ आई और उसने पूछा कि क्या हो गया, इतने परेशान से क्यों हो। तो क्या करता फिर मैंने बताया कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत हुई कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, काफ़ी मुश्किल से बता पाया था मैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक चैनल हो गया तो डिलीट कोई बात नहीं, दूसरा बना लो, ऐसी कोई बात नहीं है, डिलीट हो गया तो हो गया, होने दो। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर्च में नहीं आ रहा तो मैं क्या बताता, तो मैंने बोला कि मैंने कुछ दिनों के लिए उसको लॉग आउट कर दिया है और इसीलिए वो सर्च पे नहीं आ रहा है। तो खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद मैंने फिर अपना एक नया चैनल शुरू किया तेजस जोशी व्लॉग्स करके, कुछ दिन उसमें अपने वाइफ की वीडियोस मैंने डाली और उसके बाद अब मैं खुद बना रहा हूँ क्योंकि उसको समय कम मिलता है वीडियोस बनाने का, इसलिए मैं ही वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए, चाहे जैसी भी होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है। तो वीडियोस कैसी होती हैं ये सब आप लोगों को ही पता होगा कि अच्छी बनाता हूँ या गंदी बनाता हूँ, जैसी भी बनती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स, जैसा भी है, फिलहाल नया चैनल तो शुरू कर ही दिया है। 5-6 महीने हो गए हैं और 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इस बीच मुझे, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस पर बने रहते हैं और उन्हें देखते हैं। तो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप सब लोगों का। फ्रेंड्स देखिए, तेजस भी आ गया है और यही है तेजस जोशी, जिनके नाम से मैंने अपना चैनल बनाया है। और ये हैं तेजस की मम्मी, जो आपको वीडियोस में दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं अब इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ पर डे आपके लिए रोज़ एक एक ब्लॉग में लाऊँ, चाहे मैं घूमने का लाऊँ, चाहे मैं घर का लाऊँ, चाहे मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग लाऊँ, कुछ भी लाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ एक ना एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।